चरित्र बहुत अथाह है और बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है। मेरी वाणी तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मादिक देवों की भी वाणी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो करुणामयी श्री राधा रानी के चरित्रों का गान कर सके, उनकी महिमा के बारे में बता सके। तो हम और आपकी तो खैर गिनती ही क्या है, किंतु जैसे एक छोटा सा बालक तोतली भाषा में बोलता है, भाषा उसकी तोतली होती है, अशुद्ध होती है, शब्द भी सही से उच्चारण नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसकी जो माँ होती है, पिता होता है, उसके जो परिवार वाले होते हैं, वो उसकी तोतली भाषा पे ही रीझ जाते हैं, उसके टूटे फूटे शब्दों में ही खुश हो जाते हैं। आहा, कितना मधुर बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है, जबकि देखा जाए तो गलत बोल रहा है। मिश्री को मिश्री कह रहा है, लेकिन फिर भी परिवार को उसमें भी रस नजर आता है, उसमें भी लगता है कि आ कितना बढ़िया बोलता है। ठीक उसी प्रकार श्री राधा रानी हम सबकी स्वामिनी है, माँ है, सब कुछ है। तो अगर इस टूटी फूटी तोतली भाषा से शायद जो भी निकलेगा, उस टूटी भाषा पर, अज्ञान भरी बातों पर भी शायद क्या पक्का श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी अवश्य रीझेंगी।